मेरा नाम सोनाली भाटिया है, मैं बादली नियर रोहिणी से आई हूँ और मैंने रेकी फर्स्ट और सेकंड डिग्री की हुई है। इसके मेरे को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं। रेकी करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को काफ़ी ठीक कर दिया है। मेरे फादर इन लॉ की एक बार तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, वो आईसीयू में थे तो डॉक्टर ने उनको बिल्कुल जवाब दे दिया था कि 10 या 15 मिनट के ही मेहमान है। तो फिर मैंने उनको घर से ही डिस्टेंस सीरियल देके आईसीयू से बाहर निकाला। सुबह डॉक्टर ने उनको आईसीयू से रूम में डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद भी वो 6 महीने तक जिंदा रहे, उनको कैंसर थी लास्ट स्टेज का, लेकिन 6 महीने के बाद फिर उनकी डेथ हो गई। रेकी से उनको काफ़ी रिलीफ मिलता था और अच्छा लगता था। नहीं, क्योंकि हमने उनको रेकी की दान पुण्य बहुत करवाए उनके हाथों से, तो जो कैंसर से लोगों को बहुत पेन होती है या और जो कुछ भी होता है उनको, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि डेथ होने से 15-20 मिनट पहले उन्होंने मेरे को बुला लिया था अपने रूम में। रूम में जाने के बाद फिर दीवावट्टी वगैरह जो भी करते हैं हमने वो सारा किया। उसके बाद डेथ हुई उनकी, और उनकी डेथ 15 अगस्त को हुई थी। उस टाइम ऐसे लग रहा था साक्षात भगवान किशन जी जमीन में ही आए हुए हैं, क्योंकि वो किशन भक्त थे और उस दिन इतनी बारिश इतना तूफान था कि समझ नहीं आ रही थी कि हम कैसे क्या करें। लेकिन उनको पेन रहित जो है ना, वो डेथ हुई है उनकी। जैसे कैंसर में लोग परेशान होते हैं, ऐसी परेशानी नहीं होती। हाँ, मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बोल दिया था। तो वो डर रही थी बहुत कि मेरा ऑपरेशन होएगा, उसका फर्स्ट बेबी था। तो मैंने उसको बाहर से ही हील किया, तो जो स्टिचेस आते हैं लोगों को नॉर्मल काफ़ी आते हैं, उसको एक सिंगल स्टिच आया। और जब उसके बेबी बाहर आया पेट में से, तो बहुत सारा धुआं आया साथ में, और जिससे डॉक्टर भी थोड़े डर से गए कि शायद इस बच्चे के लिए कहीं कोई हवन कोई प्रार्थना चल रही है। उसके बेबी भी बिल्कुल ठीक था और वो खुद ही बिल्कुल ठीक थी, और उसको एक सिंगल स्टिच आया। और उसके बाद भी वो 10-15 दिन में ही उठ के अपना थोड़ा बहुत काम करने लगी थी। नॉर्मल बड़े ऑपरेशन में ऐसा नहीं हो पाता, तो रेकी से उसको काफ़ी फर्क पड़ा। और आज का जो आपने कोर्स किया, जो भी क्या कोर्स आज हमने थर्ड डिग्री की है, और उससे मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब हमें जो रेकी के बारे में बताया जा रहा था सारा कुछ, तो मेरे को बहुत अच्छी इंट्यूशन हो रही थी, और ऊपर से ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर भगवान का आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है कि मैं थर्ड डिग्री में सक्सेस हो सकती हूँ।